लोकसभा इलेक्शन को लेकर अपोजिशन पार्टियां एकजुट होने की कोशिश में लगी हैं। अपोजिशन पार्टियों की आगे की पॉलिसी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में बड़ी मीटिंग बुलाई है। नीतीश में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन, मीटिंग में इस बार कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई बड़े लीडर शामिल होंगे। इस बीच बिहार में मीटिंग से कबल नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। किसी भी हाल में नीतीश का साथ ना छोड़ने वाले जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अपोजिशन के पास पीएम के चेहरे की तस्वीर साफ नहीं है। मोदी जैसे लीडर के सामने बगैर चेहरे के अपोजिशन मैदान में कैसे उतरेगी? बीजेपी के हिंदुत्व के सामने अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर क्या सभी की एक राय बन पाएगी? दिल्ली, पंजाब और बंगाल में सीटों का बंटवारा किस तरह से हो पाएगा? आज का मुद्दा में इन तमाम सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बहस का आगाज करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में होने वाली अपोजिशन की बड़ी मीटिंग की मेजबानी सीएम नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। अपोजिशन जमात की इस अहम मीटिंग में 20 से ज्यादा अपोजिशन लीडरान के जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। मीटिंग का टारगेट अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को कैसे हराना है, इस पर चर्चा की जाएगी। इस बीच पटना की मीटिंग से पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपोजिशन लीडरान को खत लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 23 जून को बिहार में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में हराने पर सबसे पहले चर्चा हो। दिल्ली का ऑर्डिनेंस एक तजुर्बा है, अगर ये कामयाब हुआ तो मरकजी हुकूमत गैर बीजेपी रियासतों के लिए ऐसे ही ऑर्डिनेंस लाकर रियासती हुकूमत का हक छीन लेगी। अरविंद केजरीवाल ने कल मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी 33 गवर्नरों और एलजी के जरिए सभी रियासतों की सरकारें चलाएंगे। फिर अथॉरिटी की जरूरत क्या यार, तो ये दिखाता है, ये सारी चीजें हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है और सारी पार्टियों से भी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी, राहत मिलेगी और अगर राज्यसभा में, संसद में बिल आता है तो उसको जीतने नहीं देंगे। जो चुनी हुई कैबिनेट है उसके ऊपर हर जगह इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया। अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी, अफसर की चलेगी, अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी, चीफ सेक्रेटरी की और एलजी की चलेगी, उसके ऊपर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। एक ये कहने को एक अथॉरिटी बना दी, अथॉरिटी के अंदर दो अफसर केंद्र सरकार के होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा, तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर दो अफसरों को बिठा दिया। दरअसल दिल्ली की नौकरशाही पर कब्जा किसका हो, इसको लेकर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से राजधानी में ऐसा घमासान मचा है जो अब तक कभी देखने को नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप सरकार खुश थी कि अब वो आवाम से मिले मैंडेट के हिसाब से काम कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मरकजी हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया।